बाबू चाचा के इजाद से मैं जिनको बाहर निकाल लूंगा। पर काले चोर तुम्हें पूरा यकीन है यहाँ पर जिन होगा? देख लेते हैं। वज़ीरे आला, उन दोनों को उल्लू बनाना कितना आसान है। वो आका नहीं, मेरा पैदा किया हुआ आका का वहम था, ताकि ये वो जिन भगाने वाला हथियार ना चला सके। बड़े आए आका का राज जानने वाले। एक्चुअली इस कमरे में ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। अभी चलते हैं, दोबारा फिर से आएंगे। अब दोबारा आएंगे? पर यहाँ पर तो हमारे हाथ कुछ लगा ही नहीं काले चोर। एक्चुअली मैंने कहा ना, इस कमरे में कई राज हैं। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, हमें उसका पता लगाना होगा। चलो इंसान और अंगूठी छाप दोनों है कमाकियों। ऐ कमरे, ले ले अपनी असली शक्ल। इस कमरे में राज तो है, लेकिन वो क्या है वो तुझे कभी नहीं पता चलेगा लड़के। और अगर कहीं गलती से तुझे पता चल भी गया, तेरे साथ भी वही होगा जो तेरे बाप के साथ हो रहा है। हमने सोचा अपने पुराने दोस्त की खबर ले लेते हैं। कैसे हो उमर? तूने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे घर को जलाकर राख कर दिया, मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तू दोस्त नहीं, डब्बा है दोस्ती के नाम पर। इंसान नहीं, इंसान के लिबास में लिपटा हुआ एक हैवान है, पर ये मत भूल कि अगर इस दुनिया में तुझ जैसा शैतान है तो मासूम लोगों की इल्तिजा सुनने वाला वो खुदा भी है, और वो तुझे तेरे हर गुनाह की सजा जरूर देगा, यकीनन देगा। अगर हम शैतान हैं तो तुम एक बेवकूफ इंसान हो। ना हमारे गुनाहों के बारे में कभी किसी को पता चलेगा, और ना कभी हमें सजा मिलेगी। हमने सुना तुम अपनी बीवी से मिले। हाँ, मैं मिला था अपनी रुखसार से, जो पिछले 20 वर्षों से अपने हर गम, हर दर्द और हर तकलीफ से तन्हा लड़ रही है, और फिर भी मेरा इंतजार कर रही है। बेहतरीन, यानी उमर ना अलादीन से मिला है, ना उसे इस बात का पता है कि उसका एक बेटा भी है। सब कुछ सही जा रहा है। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सफर? अब क्यों, क्या, इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? सच बताएं, हम
दिली तौर से माफी चाहते हैं तुम्हारी जो दो पौड़े की जिंदगी हमने बर्बाद कर दी। माफी चाहते हैं लेकिन एक वादा करते हैं तुमसे, इस मर्तबा 20 साल नहीं लगेंगे। इंतजार है तो उस काली रात का जब चांद पे साया हो और हम हमारे सारे काले कारनामों को अंजाम दे सकें। बस एक बार आपको देखना चाहती हूँ, तसल्ली करना चाहती हूँ कि आप ठीक हैं। उसके बाद चली जाऊंगी मैं, आपसे कभी घर आने की जिद नहीं करूंगी। बस एक बार मेरे सामने आ जाइए। वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा जब अलादीन और उसके अब्बू आमने सामने होंगे। या खुदा मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मेरे शौहर और मेरे चीनू को घर वापस भेज दे। गम तो बहुत दिए, अब मेरे हिस्से की खुशियां मुझे दे दे। रुखसार बहन, तुम इतनी देर से दरगाह को देखते हुए यहाँ खड़ी हो, सब कुछ ठीक है ना? सब ठीक हो इसलिए यहाँ खड़ी हूँ तारिक भाई। दरगाह से निगाह नहीं हटा रही इस उम्मीद में कि शायद उसकी नेक निगाह मेरे घर पर पड़ जाए। वो अपने नेक बंदों की सुनता है, आपकी भी जरूर सुनेगा। मुझे पूरा यकीन था कि आज मुझे उस कमरे में जिनू का चिराग मिलेगा और आज उस दरवाजे पर कोई जादू भी नहीं हुआ। अलादीन, अलादीन ये क्या? हमें इस अधूरे किस्से को पूरा करना होगा नक्चट। मुझे पूरा यकीन है कि वो कमरा हमें जिनू और उसके चिराग तक पहुंचा सकता है। हमारे यकीन पर हमें यकीन है काले चोर, पर ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा वक्त है जब हम बिना किसी के नजर में आए उस कमरे में जा सकते हैं? हमें नहीं पता काले चोर, पर पता चल जाएगा। तुम सब्र करो, पर कितनी चोट लगा ली है तुमने। सब्र कैसे रखूं? मैंने अम्मी से वादा किया है, खुद से वादा किया है कि मैं उनके बेटे को, अपने भाई को, हमारे जिनू को ढूंढ लूंगा, पर हर बार मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ तो ऐसा लगता है कि जिनू मुझसे और दूर जा रहा है। को जख्मी करने से, खुद को परेशान करने से कुछ नहीं मिलेगा काले चोर। हर सुबह एक नया सूरज लाती है, एक नई उम्मीद लाती है। जो आज नहीं हो पाया
वो कल जरूर पूरा होगा। हमारे अब्बू कहते हैं कि जिंदगी में उतार के बाद चढ़ाव जरूर आता है। अब्बू ये भी कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। हमारे अब्बू बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अब तो वो तुमसे खुद ही मिलना चाहते हैं, तो तुम खुद ही जाओ। किस्मत ख्वाब तोड़ते तोड़ते थक जाएगी, लेकिन ख्वाब सजाता ये दिल नहीं थकेगा। इंतजार करती मेरी आंखें नहीं थकेंगी, तेरे दर तक आते मेरे कदम नहीं थके। जब तक उमार नहीं मिल जाते मैं नहीं थकूंगी। तुम्हारे अब्बू मुझसे मिलना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं नचुड़ी, तुम्हारे अब्बू को मतलब मेरे से क्या काम है, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्या खुदा कि हमने क्या कर दिया। एक तरफ अब्बू को अलादीन से मिलने की ख्वाहिश और दूसरी तरफ इस पुंतर के बच्चे के सवालों की बारिश। हम क्या करें? नकली, मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। वो पहले चोर। अच्छा, ऐसे तो हम भी तुम्हारी अम्मी से कितनी बार मिल चुके, उनसे कितनी सारी बातें कर चुके, उनको तो ये भी पता है कि तुम हमें नकचड़ी बुलाते हो। हमने कभी तुमसे कुछ कहा? और हमारे अबू अब तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं तो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो साफ साफ मना कर दो ना। हम जाके अपने अबू को बता देंगे कि जिस शख्स के साथ उनकी बेटी इतना वक्त बिताती है, जिसके साथ वो खतरों का सामना करती है, जिसे वो अपना सच्चा दोस्त मानती है, वो आपसे मिलने में दिलचस्पी नहीं रख रहा है। हम जाके बोल देंगे अबू को ये बात। और क्या, अबू की इकलौती बेटी तो है हम, हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने का हक, हमारे दोस्तों से मिलने का हक उनको तो बिल्कुल नहीं है। बता दे जाके अपने अबू को, बोलो काले चोर। ठीक है, क्यों रुक गई तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके क्या देख रहे हो हमें? बोलो काले चोर। बेटे की तुम। वाह, इतना सब कुछ कहने के बाद इस लड़के को बेटे की तुम ही बोलना है। तुम इतनी बातें कर सकती हो नकचड़ी? पर पता है तुम्हें, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं जिन्हों को ढूंढने में इतना ज्यादा खो गया कि तुम्हारे घर अम्मी अब्बू किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तुम मेरी मदद करने के लिए रात को भी घर से बाहर रहती हो, उन्हें कितनी फिक्र होती होगी तुम्हारी। मैं ना उनसे खुद जाकर माफी मांगूंगा। लेकिन नकचड़ी, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। आज मैं समझ गया कि मैं कितना खुदगर्ज हूं। मैं अपने कामों में इतना उलझ गया कि मैंने किसी के बारे में सोचा ही नहीं। अम्मी भी मुझसे शिकायत करने लगी है आजकल, कहती है कि मैं उनको वक्त नहीं देता। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे मेरी गलती का एहसास कराने के लिए शुक्रिया नकचड़ी। क्या रोना थोना? हमें नहीं पता था कि तुम इतने रोतलो काले चोर। हदे, मुझे तो तुम्हारे अब्बू के लिए बुरा लग रहा था। काले चोर, हमें तलवार चलाना, खतरों से खेलना हमारे अब्बू ने सिखाया, उन्हें इतना कमजोर मत समझो। और वैसे भी वो तो बस ये देखना चाहते थे कि जिस शख्स का नाम हम बार बार लेते हैं उसका। बेटे की तुम, मेरा नाम हर वक्त क्यों? अब हाँ, वो
वो जो हमारे हमारे घर में वो जो चूहा है ना, अब उसका नाम भी अलादीन है। चूहा? अब हाँ, वो तुम्हारे जैसे दिन भर कूदता रहता है, दौड़ता रहता है, तो हमने सोचा उसका नाम अलादीन क्यों ना रख दे। बस इसलिए हम पूरा दिन घर में बोलते रहे अलादीन अलादीन, क्या कर रहे हो? तो ऐसे अब ना तुम देखना, मैं भी ना उस अलादीन से मिलने अपनी बिल्ली नक्चड़ी को लेकर आऊंगा और उसे मजा चखाऊंगा और तुम्हारे अब्बू से भी जरूर मिलूंगा। हमें इंतजार रहेगा। किसका इंतजार? अब इंतजार तुम्हारी तुम्हारी अम्मी जान तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी काले चोर। हाँ मैं चलता हूं नक्चड़ी। इसने तो अब्बू से मिलने में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखाई, कहीं हम गलत तो नहीं सोच रहे? इसके दिल में हमारे लिए क्या क्या है, ये बात तो हम खुद ही साफ साफ नहीं जानते, और हमने अब्बू को जाके सब कुछ बता दिया, हम क्या करेंगे? या अल्लाह, क्या ये वाकई में हमें दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं समझता? वजीरे आला की खिदमत में सूबेदार गुलबदन हाजिर है। आदाब हुजूर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वजीरे नाला? आला आला वजीरे आला, माफी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? यही तो देखना है कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। तुम यकीन करने के लायक हो या नहीं? ये ऐसे कांप क्यों रहे हो तुम? मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड है, इसलिए मैं कांप रहा हूँ। वजीरे आला, आपको पता है मैं ना बहुत काबिल हूँ, आप मुझ पर अपना मुंह बंद करके, नहीं मतलब आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं वजीरे आला। अच्छा, ओ क्या क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी गुलबदन। गुलबदन, हम चार रातों से सोए नहीं, अब हम इत्मीनान से आराम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं थोड़ा सा। तो क्या मैं आपको लोरी सुनाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद ही सो लेंगे, लेकिन हाँ जब तक हम सोते हैं हमारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, कर पाओगे? कर पाऊंगा? क्यों नहीं करूंगा वजीर आला? आप एक काम कीजिए, अब जाकर आराम से सोइए। गुल्लू, आज तो पिचकना पक्का है, कोई देख तो नहीं रहा।
जाने दीजिए, आपको खुदा का वास्ता। अगर अपनी जान प्यारी है तो बता वजीर कहाँ है? वजीर अला उस कमरे में सो रहे, जाओ उन्हें नींद में खत्म कर दो। तू वजीर का वफादार सूबेदार है ना, अगर वो उस कमरे में नहीं हुआ मैं तेरी जान ले लूंगा। ना तो मैं वफादार हूँ ना ही सूबेदार, मैं तो बस अपनी अम्मी को प्यारा सा गुल्लू, मुझे जाने दो। जाने दो? क्या उस कातिल ने हम दोनों को मार दिया? हम दोनों ऊपर पहुंच गए क्या? हमारे होते हुए तुम्हें कोई कैसे मार सकता है गुलबदन? डरपोक! दुश्मन को देखते ही हालत खराब हो गई तुम्हारी, एक झटके में बता दिया हम कहां है। हमारा इम्तिहान ले रहे थे और तुम नाकामयाब रहे, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वज़ीर आला